क्या बात है यार, रेनबो पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही, सीन का मजा आ रहा है बड़ा। आ जाओ यार, काम रहेगा। रास्ता जाता है सीधा बाबू सर टॉवर, ये नारायण शहर में भी, नारायण सिटी से हम बाहर आ चुके हैं। 15 से 18 किलोमीटर आगे आए हैं और ये खूबसूरत सी आबशार आती है, और खूबसूरती की तो जवाब ही नहीं है यार यहाँ का। तकरीबन 35 किलोमीटर पहले हैं बाबूसर टॉप से, तो अभी यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ नाश्ता करने के लिए। और भाई जान, ये हमारा बिल बना है 1700 रुपये का। यहाँ पे भैया मुझे लगता है लैंडस्लाइडिंग हुई है। ओ यार तुसी रोकियो हाँ मैंने, ये सारा पानी रोड पे भी आगे खड़ा हुआ है, मैं साइड से गुजरने की कोशिश करूँगा। ये लैंड स्लाइडिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, ये देख सकते हैं ये सफाई कर रहे हैं अभी भी। ये काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग लग रहा हुई है भाई जान। ये ओह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये सफाई का काम चल रहा है। अल्लाह ताला ने तंदरुस्ती सेहत दे और इनका शुक्रिया कि ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वो मेरे लिए। और सामने किसी आपके सामने है, कुछ यूँ है बाबूसर टॉप, यहाँ से है अभी 20 किलोमीटर दूर। लुलूसर लेक पहुँच चुके हम, फर्स्ट व्यू ऑफ लुलूसर लेक। तो अभी का सीन, हम लुलूसर लेक पहुंच चुके हैं, तकरीबन बाबूसर टॉप से 15 किलोमीटर पहले है। हम यहाँ पर रुक नहीं रहे, लेकिन आपको सीन चेक करवाने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ, और फिर हम आप सीन चेक कीजिए, फिर हम अब यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये कुछ सीन है लुलूसर लेक के, काफ़ी खूबसूरत साइडों पर पहाड़ है चारों तरफ। ये देखिए सेंटर, ये में ग्रीन कलर का शेड है पानी का, काफ़ी खूबसूरत कलर दे रहा है ग्रीन कलर का, काफ़ी खूबसूरत लेक है लुलूसर लेक। बाबूसर टॉप से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले आती है। बस अब यही सीन थे, बाकी अब हम आगे निकलते हैं, आगे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या व्यू है यार यहाँ से, वो देख रहे हैं ये चोटी ये वाली, क्या खूबसूरत है। चले निकलते हैं अब यहाँ से। अभी भाई जान मालूम पड़ा बाबूसर टॉप तक जाने दे रहे हैं, रश आप देख ही रहे हैं, और लैंडस्लाइडिंग का भी हाल देख रहे हैं, और रोड भी आप देख ही लें क्या हालात चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, रास्ता चिल्लास की तरफ, चिल्लास है मतलब आगे रास्ता बंद है लैंड से। अभी फिर तो बाबूसर टॉप से चलते हैं, बाकी देखते हैं क्या सीन है। यार आप लोग बताओ, आपको ये खूबसूरती कहाँ पे मिलेगी? ये वाली, ये भी पाकिस्तान है बड़ी, माशाल्लाह। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, पर बहुत ठंड नहीं है जो बाबूसर टॉप की होती थी। आज थोड़ी धूप निकली है बाबूसर टॉप, अभी भी वो देख रहे हैं चढ़ाइयाँ, वो ऊपर देख रहे हैं बादल, वो ऊपर बाबूसर टॉप है, वो ऊपर जो है काले बादल जहाँ वो ऊपर कैंप लगे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, वो बाबूसर टॉप है। ये चढ़ाइयाँ जो है इन्होंने बाइक की जान निकाल दी है,
इसने बाइक ने मिसिंग शुरू कर दी है, क्योंकि ये चढ़ानी ना होनी है। बाकी इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अल्लाह के फजलो करम से, इंशाल्लाह मदद खुदा से आराम से निकलेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हम लोगों को। मस्त मस्त सीधी चढ़ाई है, लेकिन हम भी मस्त जाएंगे। लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी हो रखी है, मैक्सिमम मीटर मेरा चल नहीं रहा, 2 किलोमीटर मैक्सिमम 5 या मैक्सिमम भी 10 की स्पीड है, और इसी तरह चलनी है। ऐसे तो नहीं। तो भाई जान अभी का सीन है, अभी हमें बाबू सर टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे, और ये आप मेरे पीछे सीन देख सकते हैं सारा बाबू सर टॉप का, और वो ऊपर बाबू सर टॉप है वो सारा। तो एक भाई मिले हैं, कितों आ रहे भाई जी? जी प्यारे भाई, हम ना स्कर्दू से आ रहे हैं, तो स्कर्दू से लेकर बाबू सर टॉप तक लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है, और चलास और तत्ता पानी जो पॉइंट है ख़ास तौर पर, ये तो मिट्टी के जो पहाड़ हैं ना वो कीचड़ बन के ना वो सड़क पर आए हुए हैं, और रास्ते में कई जगहों से, ख़ास तौर पर एक जगह है वहाँ से 120 फीट का रोड का हिस्सा गायब हो चुका है, वो पानी में दरिया में बह गया है। आपने बाबू सर टॉप की तरफ से जाना है, मेरा ख़्याल है अस्तौर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंडस्लाइडिंग, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है पेट्रोल का, जो पेट्रोल आपको चलास के बाद से नहीं मिलेगा कहीं से भी। और ये मैंने मतलब ना, हमने कई दिनों के बाद पेट्रोल इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। फाइनल बात ये है कि बेवकूफ़ी है इस वक्त। भाई जान, बात आपने भाई जान की सुन ली है, अब मैं बाबू सर टॉप पर चलता हूँ, वहाँ पे लड़के वेट कर रहे हैं मेरा, उन्हें जाकर बताते हैं सारी सूरत, फिर जो भी प्लान बनेगा हमारा, मतलब हमारा फिर प्लान यही होगा कहीं और टूर कर लें, कोई और चीज़ एक्सप्लोर कर लें, लेकिन जो भी प्लान होगा आपको बताते हैं, फिर निकलते भी आप यहाँ से। सीन कुछ यूँ है, हम बाबू सर टॉप तो पहुँच चुके हैं, और बाबू सर टॉप का सीन कुछ यूँ है के बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तेज़ हो रही है, और हमने अब चाय ऑर्डर दिया है, और बाकी की प्लानिंग जो रोड वगैरह की प्लानिंग है वो मैं आपको बताता हूँ क्या सूरत हाल चल रही है यहाँ पे। हमने भी डिस्कस किया सबने बैठकर और प्लान किया कुछ, तो वो भी आपको बताते हैं। पहले आप ये नज़ारा चेक कीजिए बाबू साहब, ये लीजिए जनाब। ये वाले सीन हो, ये वाले, और चाहे आप पी रहे हो ये वाले, और ये चाय लवर के लिए जलन का मौका है, फुल टाइम जल सकते हैं, एक मिनट फाक नहीं, फुल टाइम जल सकते हैं ये, पता है मैं जिसे सुना रहा हूँ वलीद भाई, ये आपके लिए है। सीन हो ये वाले, और चाय हो मेरे हाथ में, और मजा तो खूब आएगा भाई। अभी हमारा जो प्लान बना टूर के बारे में, हमने वो बहुत दुख के साथ वो जगह कैंसिल कर दिया, 2 दिन 2 टूर हो गए हमारे साथ, जलालत हो रही है। पहले हमारा वो हंजा वाला कैंसिल हुआ प्लान, किसी वो हमारी अपनी लेकिन अभी स्कर्दू वाला प्लान कैंसिल हुआ, स्टोर वगैरह। यार एक मिनट आया यार, और तेरा हकम आया चाय पीते हैं उस, यार एक मिनट भाई मैं ना जरा गल कर ला, वो चाय के लिए बुला रहे हैं, चाय पीते हैं बाद में, प्लान आपको बता दो। हमारा प्लान ये हुआ है, पीछे से सीन आने थे ना भाई, जरा पीछे से सीन भी देखते रहे आप और बात भी सुनने। अब प्लान ये हुआ है, हम यहाँ से जाएंगे नुरान, और ये अजीम भाई की आपका सोटी किधर है भाई? अल्लाह के नाम पे मजाक से बातें करते हैं। अब हम नारान जाएंगे वापस, रात नारान स्टे करेंगे, और हमने जो मतलब के पॉइंट प्लान किए हैं जो हम वहाँ पे डिस्कवर करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है नारान वैली में एक और वैली है, मैंने कल परसों उसकी वीडियो देखी थी जाने से पहले, तो वो वैली का पता करेंगे,
वो डिस्कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, दूसरा सैफल मलूक है, हमारे पास 5 से भी 6 दिन पड़े हैं। सैफल मलूक जाएंगे झील शुगरा, उसके अलावा ऊपर सिरीपा है शुगरा के ऊपर, लालाजार महाद्रे से ऊपर डेवड़ी, जितने ज़्यादा करीब करीब के पॉइंट कवर कर सकें करेंगे भाई। लेकिन टूर का मज़ा हम ख़राब नहीं होने देंगे आपको, मज़ा आपको उतना ही आएगा, बने रहिए हमारे साथ, वो नहीं तो ये सही, मज़ा मेरे साथ आएगा आपको, सीनरी आपको दिखती रहेंगी। बाकी अब हम चाय पी लूँ मैं, वो मतलब के शो डाल रहा है, चाय पी लो अमान साहब, अच्छा फोटो लाओ आ रहे, चाय पी लो फिर मिलते हैं आपको। निकलने से पहले अब हम यहाँ से नारा नहीं जाएंगे, 4:30 हो चुके हैं, बारिश हो रही है, बाकी मिलते हैं आपको भाईजान। अभी तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, नीचे जाते जाते हमें 8 बज सकते हैं, तो बस अब जल्दी से जल्दी निकलते हैं, ग्लव्स वगैरह बस पहनने हैं, बस निकलते हैं यहाँ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। ये देखें आगे जाने दे रहे हैं भाईजान इन्होंने, हम वापसी के निकले, इन्होंने आगे जाने का रास्ता ही रोक डाला है, वो ना आगे जाने दे रहे हैं ना पीछे जाने दे रहे हैं। यार भाई सिक्योरिटी ने रोक दिया क्योंकि आगे रास्ता बंद है, तो उन्होंने रोक दिया कि आगे नहीं जा सकते, ये बहस मुबहसा चल रहा अभी। बिस्मिल्लाह अल्लाह कर मदद, बिस्मिल्लाह दुआए सफ़र पढ़ लेते हैं, वो मुझे आते माइतुल कुर्सी पढ़ लेते हो, अल्लाह इलाहा इल्लहु अल हय्युल क्यूम ला। ये लास्ट मरतबा नज़ारे देख रहे हैं बाबू से टोप के, छल्ली खा सकते हैं आप, अल्लाह इलाहा इल्लहु अल हय्युल क्यूम ला तख़ुज़ हुसीना, ये सीनरी वजह छल्ली आप खा सकते हैं, और रश देख सकते हैं आपके सामने है। यहाँ से निकलने फिर आपको मिलते हैं, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह मदद खुदा से हम खैर हो काफ़ियत से नीचे पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ये आप उतराइयाँ देख रहे हैं, ये सबसे गंदी हैं, ये चढ़ाई तो चलो बाइक का जोर है, लेकिन उतराइयों में आपकी समझदारी मतलब लगती है, इस जगह पर तेज़ चलाना बहादुरी ने नहायत ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से एक्सीडेंट देखे हैं यहाँ पे, तो इस जगह पे देख रहे हैं आप बिल्कुल उतराई हैं, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, और आप सामने बादल भी देख सकते हैं, हालात क्या चल रहे हैं। नारान यहाँ से 64 किलोमीटर है, हमें करीब 2 घंटे लगेंगे, तो इंशाल्लाह पहुँचते हैं फिर, अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो, बाकी मिलते हैं फिर आपको, हमारी वीडियो बना रहे हैं जो बेसिकली भाई भी हमारे अपने ही है खुद के, और ये कैकर बनवाई जा रही है, ये मान भाई है शॉर्ट्स के लिए भाई जान। क्या बात है, और अब बारिश हल्का हल्का तेज होना शुरू हो गई, तो हमें जरा जल्दी उतरना पड़ेगा, मिलते हैं आपको नारायण जान। भाई जान सीन कुछ है, गोप्रो मेरा बंद हो गया, बाकी आपने गोप्रो में देखा होगा बारिश काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा ही आ गया हूँ अचानक, तो रेनकोट वगैरह मैंने नहीं पहना, अभी मेरे हाथ बिल्कुल सुन हो गए हैं, ये मेरे जो ग्लव्स हैं ना ये बिल्कुल गीले हैं, मेरा ख्याल है इनके अंदर अब डालूंगा, मेरा ख्याल है मेरे वाले जो मेरे साथ जो लड़के हैं वो भी पीछे हैं, वो रेनकोट वगैरह डालने के लिए खड़े हो गए, उन्हीं का वेट करो, मेरा रेनकोट उन्हीं में से किसी एक के बैग में है, वो मैं डालूंगा उनका, अभी धूप काफ़ी निकल रही है, और सबसे अच्छा से ये रेनबो चेक कीजिए भाई जान, क्या बात है यार, रेनबो पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही, सीन का मज़ा आ रहा है बड़ा, आ जाओ यार कहाँ पर रह गए हो, मेरा ख्याल है मुझे दिखे हैं, बाकी पता नहीं दिखे कि दिखे, बाकी देखते हैं, उनका वेट करता हूँ थोड़ी देर और, क्योंकि अभी साथ ही आगे निकलेंगे, मतलब इस तरह धोखा नजर आ फेस अच्छा आएगा, पिक्चर्स लेने की कोशिश करता हूँ इसकी, बाकी सीन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बस कि उनका वेट करता हूँ फिर आगे निकलते हैं, अब तक मेरे कपड़े वगैरह भी थोड़े सूख जाएंगे, मेरे जूते वगैरह भीग गए, ये तो पैराशूट है इसे तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, बाकी निकलते हैं। और भाई जान अभी हम
वापसी पे लुलू सर पहुँच चुके हैं, टाइम हो चुका है 6:30 हो गया ना, तकरीबन 6:30 हो चुके, 6:30 तकरीबन 6:30 हो चुके हैं। पिछली प्रोग्राम कितने की खासा 50 की। नाम क्या आपका? जयमिल्ला। कहाँ से हो? यही से? नहीं यार, मैं वो सरगोधा से। सरगोधा से यहाँ छली बेचने पर आते हो? बाकी अपनी दुकान किधर है छली वाली? वो सामने। अच्छा, वो सामने भाई की दुकान है, जब भी आओ इनसे छली लिया करो यार, ये बहुत अच्छे स्पेशल छली है भाई की, चेक करो। हाँ स्पेशल है। तो बाकी हम इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से, यूट्यूब पे आ रही है, बाकी मिलेंगे फिर आपको, रास्ता तो वही है सेम दिखाएंगे, कुछ नहीं आपको नारायण जाके मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। लुक एट द व्यू भाई जान, कमाल का सीन है ये वाला। ये बाबू सर टॉप के रास्ते में आता है, ये मुझे फंडर वैली की याद करवाता है। तो फाइनली भाई जान हम नारायण पहुँच चुके हैं, नारायण पहुँचे हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं, अभी टाइम हुआ है 10:10 और हम 8 बजे नारायण पहुँचे, अच्छी तरह फ्रेश व्रेश होके आधा पौना घंटा आराम करके अब हम खाना खाने जा रहे हैं। बस अभी हमने कल का प्लान करना है कि कल हम कहाँ जाएंगे, वो खाना खाने के बाद आकर डिस्कस सारी करेंगे। बाकी ये रूम हमने लिया आके, ये रूम है, ये हमारा सामान सारा पड़ा है, ये रूम लिया जी। बाकी एक्सपेंस कितने का लिया वो सब कुछ मैं आपको रात में बताऊंगा। ये हमारे शूज़ जो मतलब गीले हो गए थे सारे वाटर क्रॉसिंग्स में, ये हमने खुश्क होने के लिए रख दिए हैं साइड पर। ये हमारे हेलमेट वगैरह, गोप्रो वगैरह सारा कुछ पड़ा है, ये गोप्रो वगैरह चार्जिंग में लगा। ये सीन अभी के, अभी भाईजान हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं, बाकी मिलते हैं फिर आपको खाना खा कर। तो हमारे लड़कों का सीन ये है, हमारे यहाँ रूम वो सामने है, बिल्कुल सामने वाला हमारे रूम में सिग्नल आते हैं लेकिन नेट नहीं आता, तो नेट यहाँ पे आता है, और ये गरीब गुरबा आवाम हमारी ये यहीं पे खड़े हो गए हैं, ये काफ़ी टाइम से यहीं पे खड़े हैं। हमारे होटल का नाम है पाइन व्यू होटल। अच्छा तो भाई जान अभी हम खाना खाने हैं पंजाब टिक्का हाउस, मैं मोबाइल नीचे रख कर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि साइड पे सारी चारों तरफ काफ़ी रश है, फैमिलीज बैठी हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऑब्जेक्शन लगाए, इसलिए मैं नीचे रखकर खुद लगा रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये है पंजाब टिक्का हाउस, ठीक है। हमने जो ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर कर दिया खाना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऑर्डर किया हमने भाई जान। एक हमने किया बलोची सब्जी, और एक किया सीख कबाब, और एक चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई वो मैंने नॉर्मली बोला था, मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है, ये यहीं पे होगी कहीं पे चिकन कढ़ाई, अब पता नहीं यार कहाँ पे बरात। अभी हम खाना खा ले, ऑर्डर कर दिया, जैसे ही खाना खा लेते हैं फिर बाकी मिलते हैं आपको। यहाँ पे सर्विस चार्जेस 10% सर्विस चार्जेस यहाँ पर भी अलाउ है, ठीक है भाई जान। बाकी अब खाना खा लें फिर मिलते हैं आपको। ये जी भाई जान हमारा खाना आ गया, एक कढ़ाई है कबाब वगैरह, पहले ये खा लें फिर निकलते हैं यहाँ से, पहले खा के ना फिर आगे बाजार में जाएंगे थोड़ा सा घूमेंगे। जी भाई जान हमारा 4,350 रुपये सारा बिल खाने का, पंजाब टिक्का हाउस मेन बाजार नारायण का। तो फाइनली भाई जान खाना खा के हम बाजार पे आ गए हैं, कल से ज़्यादा रश है बाजार में नारायण की सड़कों पे, और वैसे ही 1-2 गेरे लगाएंगे फिर वापस होटल में जाएंगे और प्लान करेंगे कल कहाँ जाना, और दूसरा प्लान करेंगे कि खाना क्या मतलब हिसाब करना पूरे दिन का, जो फिर आपको एक्सपेंस बताता हूँ। ये भाई जान 60 से 700 का रेंट पे आपको चिलम लगा के देंगे, शीशा भी आप यहाँ पे पी सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए। बहरहाल मैं नहीं पीता, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका नाम क्या? अदनान। ये अदनान भाई से आप ले सकते हैं, मेन बाजार पे बैठे हैं, 700 में देंगे एक चिलम लगा के। तो भाई जान यहाँ पे नेटवर्किंग का हिसाब ये है, यहाँ पे सिर्फ टेलीनोर 4G के सिग्नल आएंगे, बाकी किसी का नेट नहीं चलता, जैस का एज चलता है 2G मतलब, बाकी किसी का किसी किस्म का नेट नहीं चलता। अभी हम सिम लेने ही जा रहे हैं बाज़ार वापस 4G के लिए, टेलीनोर चलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता नारायण में। तो जब आएँ तो अपना काम करके आएँ। तो फाइनली भाईजान मैं सिम लेकर वापस आ चुके हैं हम रूम में, 300 की टेलीनोर 4G की सिम मिली है, 270 रुपये का 4G का पैकेज लगा, 10 GB एक हफ्ते के लिए मिला है। अभी कल का जो हमारा प्लान है नूरी टॉप का है, जो कि कल मुकम्मल ऑफ रोड है, ये शुएब भाई की है,
ये शुएब भाई ने कहा नूरी रूट टॉप करते हैं और आपको पता चल जाएगा ऑफ रोड होता क्या है। बाकी जो हिसाब किताब है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी हिसाब किताब हमारा चल रहा थोड़ा लंबा है ना एक्सपेंस वगैरह का। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।